चाहती हूँ। ये है सेवा दल जिसकी इस रैली में बहुत ज्यादा भूमिका रह चुकी है और यहाँ पर हमारे साथ सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो मौजूद है। आइए जानते हैं कि किस तरीके से इन्होंने मैनेजमेंट को आज संभाला, किस तरीके से मुश्किलें हैं इनके पास। आप देखेंगे कि जो नारे चल रहे हैं कांग्रेस को देता बल, सेवा दल, सेवा दल, ये पूरा सेवा दल है वो कांग्रेस के कार्यक्रमों को संचालित करने का, व्यवस्थापन करने का कार्य के साथ साथ देश भर में विचारधारा की लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है। ये जो हमारी श्वेत सेना है वो जो डंडे लेकर निकलने वाले संघी चड्डी वाले जो है उनके खिलाफ भी लगातार बोलती और कहती है कि अगर वो दंगों के दंगाई हैं तो हम शांति के सिपाही हैं, अगर वो डंडे से तोड़ेंगे तो हम झंडे से जोड़ेंगे। तो ये सेवा दल है, देश भर में कांग्रेस की विचारधारा का काम करता है, साथ साथ में आज़ादी के जंग में लड़ने वाला जो संगठन था, और इसीलिए हम कहते हैं कि पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से, और जब लड़ना है इन चोरों से आवाज़ उठेगी जोरों से। मैं अभी के साथ में, मैं पूरे सेवा दल के साथियों के बीच में कुछ हमारे मूलभूत नारे हैं उसको भी यहाँ पर अभी थोड़ी देर में होने वाला है। मैं कहूँगा आप भी मौजूद रहिएगा और सुनिएगा कि सेवा दल का क्या ताकत है और किस प्रकार से देश भर में कार्य करता है। आरएसएस संघी है, सिर्फ पुरुषों का संगठन होता है। आप देखेंगे हमारी महिलाएं भी यहाँ पर हैं। ये ऐसा संगठन जहाँ पे महिला भी हो सकता है, जहाँ पे अमीर भी हो सकता है, गरीब भी हो सकता है, दलित भी हो सकता है, ठाकुर भी हो सकता है, ब्राह्मण, हर जाति और हर धर्म, यहाँ हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है, बुद्धिस्ट भी हो सकता है। तो ये पूरा भारत का संगम जैसा संगठन है, उन संघियों की तरह नहीं, एक ही जाति एक ही धर्म की बात करेंगे और देश को बर्बाद करेंगे वो लोग। चलिए इनसे हमने बात करी, अब हम बात करते हैं यहाँ मौजूद कुछ लोगों से कि किस तरीके से इन्होंने मैनेजमेंट को संभाला है, आज के मैनेजमेंट में संभालने में इनकी क्या भूमिका है। आपका नाम? तो सर यहाँ पे जो आज का मैनेजमेंट था वो कोई छोटी बात नहीं थी, उसको संभालना, भीड़ को संभालना, यहाँ के और भी अरेंजमेंट्स थे, उसमें किस तरीके से आपने यहाँ पे मैनेज किया, प्लानिंग की, संभाला? सेवा दल यहाँ 4 दिन से लगा हुआ है, पूरे ऑल इंडिया से वर्कर आए हुए हैं, जो राजस्थान में भी वर्कर लगे हुए हैं, टीमें बनी हुई है, इसलिए सब जगह मैदान में टीमें बनी हुई है। एक बार हम बात करते हैं, यहाँ इस दल में सिर्फ पुरुष ही नहीं है, यहाँ पर इस दल में महिलाएं भी मौजूद है, तो एक बार हम बात करते हैं यहाँ की महिलाओं। आपका नेम? मेरा नाम किस तरीके से आपने अपनी भूमिका निभाई है? हम लोगों ने यहाँ पे जन जागरण करके, पद यात्रा करके, पूरी तरह पूरे सेवा दल परिवार ने निभाई है, क्योंकि इस सेवा दल परिवार में ना केवल हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, बल्कि पूरा जो है भारत समाया हुआ है। यहाँ पे जितने भी लोग हैं, भारत के लोग हैं, और इसमें हर प्रदेश पूर्ण रूप से अपना पद यात्रा सहयोग दिया। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के साथ अब जुड़ी हुई है, अब कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ने के बाद जो भी सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, जैसा भी जो भी वो आदेश देंगे, हम तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उसी तरह से अपने हाई कमांड हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई जी का जो भी आदेश निर्देश होगा हम उसी हिसाब से चलते हैं, वही हमारा फ्यूचर है, वही हमारा भविष्य है। थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जय हिंद, जय भारत। We'll be right back.